पर ही देखो तुम्हें जो करना है करो, ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे गिफ्ट मुझे वापस दे दो। ओके, यहाँ हमारी लाइफ बर्बाद हो गई है और तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट चाहिए। हमें तो बस अब एक ही रोज दिख रहा है, तुम हमसे शादी कर लो, शादी कर लो हमसे प्लीज। परी, कल जो तुमने चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने कहा है, तुम्हें लगता है उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, या तुम्हें लगता है कि हमारी शादी हो सकती है? प्लीज प्लीज डोम, प्लीज हमसे शादी कर लो, हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखो परी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बस मुझे मेरे गिफ्ट वापस चाहिए, दैट्स इट। क्या बच्चों की तरह रट 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 लगा रखी है, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या तुम्हारे लिए, बस गिफ्ट ही मांगते जा रहे हो। वारी ननद रानी, खुद ही अपना स्वयंवर रचा रही हो, बड़ा नहीं मारना तो छोटे को काट रही हो। देखो तुम हमें नौकर माली जो बना के रखोगे हम रह लेंगे, पर प्लीज हमसे शादी कर लो, हम एक लड़की, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज समझो। अरे ये सब का कचरा यहाँ कहाँ फैला है? रनिया, ओ रनिया। हाँ मम्मी जी। इधर आ। हाँ मम्मी जी, सफाई करने को कहा था ना तुझसे, मोहल्ले का सफाई करके कचरा घर में लाके रख दिया तूने। तो ऐसे कैसे लगाए? ओ पहले झाड़ू तो आए हमारे पास। झाड़ू के का पैर है जो उछल के आएगी तुम्हारे पास? मम्मी जी दो ही हाथ है, है? हमारा कहने का मतलब ये है कि हम परी के कमरे में गए थे झाड़ू लगाने के लिए, अब उसने झाड़ू रख लिया और हमको बाहर निकाल दिया, अब जब तक वो बाहर नहीं आएगी तो हम झाड़ू भी बाहर नहीं आ पाएगी। बस ना? बस बस समझ गए, इतना ज्यादा डिटेलन में समझाने का जरूरत नहीं, कौनो तुम कोई वो नहीं हो, क्या कहते हैं, प्रोफेसर नहीं। परी, ओ परी, हाँ मम्मी। अरे परी दरवाजा खोल बेटा, ये प्रोफेसर नहीं है ना जो कचरा फैलाने की, इसको झाड़ू लेनी, जाओ लो। हाँ आओ। जल्दी निकलो यहाँ से, हमें कमरा बंद करना है, निकलो। काहे कमरा काहे के लिए बंद करना है, हमसे बात करनी है का? झाड़ू उठाओ निकलो यहाँ से, वरना देंगे खींच के तुम्हें, चलो। अच्छा उठा ही लिया है, वैसे भी आजकल इस घर में कचरा बहुत ज्यादा जमा हो गया है, साफ तो हमको ही करना पड़ेगा है। शट अप सब्जी, निकलो यहाँ से चुपचाप वरना छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। परी हमारी बात तो सुनो, एक बात कहनी थी हमको तुमसे, हमको ये कहना था कि आजकल लोगों को एक पति नसीब नहीं हो रहा है और तुमको देखो दो ही दो लड़के मिल रहे हैं, है ना? चुपचाप निकलो यहाँ से, बता रहे हैं तुम्हें सब्जी। अरे घर से जाने की जल्दी तो तुमको है और तुम हमसे बाहर निकलने की बात कर रही हो, है ना? यू मैच, शर्म नहीं आती तुम्हें कान लगा के दूसरों की बातें सुनती हो? हम तो अपने पार्लर वालों से बात कर रहे थे, एक ड्रामा करने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे समझी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। ओहो ड्रामा कर रही थी, बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, कहे ना कि ड्रामा में हम मम्मी जी को शामिल कर लेते हैं, है ना? मम्मी जी, अगर मम्मी जी को बुलाए ना तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। सोच समझ के बात करो, फालतू बकवास मत करो। मम्मी जी एकदम हम सच कह रहे हैं, हमारे पास एकदम पुख्ता सबूत है इसके लिए। सबूत है?
का सबूत है? उसमें रिकॉर्डिंग है इसकी। रिकॉर्डिंग कहां से की तुमने? ओ, हमने झाड़ू में छुपा दिया था ये फोन। इसी वक्त मिटा इस रिकॉर्डिंग को। चुप। ये हमारी लड़की है, जो कुछ भी करेगी सीधा हमें आके बताएगी। तू कौन होती है कचहरी करने वाली? तू इतनी सीधी नहीं है जितना तू दिखती है, समझी? हम सब जानते हैं तेरे बारे में। तू इस रिकॉर्डिंग का क्या करेगी? कोई भरोसा नहीं है। इसी वक्त मिटा इस रिकॉर्डिंग को। मिटाने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, दिखा क्या रिकॉर्ड किया है तूने। हम भी तो देखें इस बिल्ली के कौन से अरमान हैं जो पूरे नहीं हो रहे। ओफो, ये अपने भतीजे डायलॉग अपनी कैंटीन में जाके बोलो ना। कैंटीन तो बंद कर दी है ना तुमने खुद, इसीलिए तुम औरतों के परपंच में घुसे हुए हो। तेरा चुप रहो ना, थोड़ी देर। आप चुप रहिए, ये मेरा भी मामला है, ये मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। आपकी बेटी? कोई अपनी बेटी से ऐसे बात करता है? बिल्ली कह रहे हो हमें? आज के बाद मम्मी और हम बात करो ना, बीच में मत बोलना, समझे? बिल्कुल सही जा रही हो बेटा, आज तक हमने ना तुम पे आवाज उठाई है ना हाथ उठाया है, लेकिन जिस तरह से हमारे बच्चों ने हमारे विश्वास को तार तार किया है, अब हम चुप नहीं बैठने वाले। सही कह रहे पापा जी, परी ने ना आपके विश्वास का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, अब हम ना सुनेंगे ना चुप बैठेंगे। आज हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे किस हद तक गिर चुके हैं। दिखा रिकॉर्डिंग, दिखाओ। जी पापा जी। कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रहे थे हम? तुम्हारे लिए हमने कल करवा चौथ का व्रत रखा था, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, चक्कर भी आ रहे हैं हमें। और तुम, अगर तुमने अपने घर नहीं बुलाया होता ना हमें, तो तुम हमारा प्यार नहीं खोते, सच कह रहे हैं। What? तुमने अपने गिफ्ट चाहिए, तुमने गिफ्ट मांगने के लिए फोन किया? मैंने कहा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमसे शादी की बात करने के लिए तुमने फोन किया है। तुम तो हमसे प्यार करते हो ना, अगर तुम्हारे भैया से कुछ गलती हो गई है तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो व्योम? हमने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि अपने घर वालों से हमें मिलवा दो, पर नहीं, तुमने नहीं मिलवाया। अब हमारी लाइफ तो बर्बाद हो गई। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? पराई लड़की पर भरोसा कर रहे हो और अपनी बेटी पर शक कर रहे हो? अरे उसका निजी मामला है, उसकी निजी बातें हैं, कोई गीता का ज्ञान नहीं है कि कान लगा के सुन रहे हो? कैसे डैडी जी हो आप? ये लड़की आपकी बेटी के साथ कुछ भी करती जा रही है, आप कुछ नहीं कह रहे हो उसको? बदतमीज, ये तो गलती करती है, ऊपर से नौटंकी करती है। आप भी ऐसा कर रही हो हमारे साथ? मम्मी आप भी मार रही हो? चुप, वरना मार मार के दूसरा बाल भी सुझा देंगे। अब पछताने का क्या फायदा श्रीमती जी, आप ही ने छुपाई थी ना अपने बच्चों की गलतियां, अब भुगतो। सही बोल रहे हैं पापा जी। वो तो छुपी रहे, सही बोल रहे हैं तो पापा जी की पीपनी बजाती रहती है जब देखो। कहाँ से रख रही तू? हम खिड़की खोल रहे थे। काहे? ताकि पूरे मोहल्ले को बिना टिकट का तमाशा दिखा सके। चुपचाप यहीं डटी रहे, हिलना मत यहाँ से। मम्मी हमारा यकीन करो, रानी झूठ बोल रही है। तू बिल्कुल चुप रहे, बदतमीज लड़की। मम्मी हम सच कह रहे हैं, हम हमारी फ्रेंड से ही बात कर रहे थे, हम पाले वाले मिलके ना एक ड्रामा करने वाले, उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें शादी के सीन्स है। पर इस रानी को तो मौका ही चाहिए ना, सब रिकॉर्ड कर लिया, हम सच कह रहे हैं आपकी कसम। भाई रीव, कितनी झूठी हो तुम, अपनी मम्मी जैसे झूठ बोल रही हो। हाँ? नहीं मम्मी, हम सच कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, आपकी कसम। चुप, चुप हो जाओ दोनों, खबरदार एक लफ्ज भी नहीं कहना, वरना हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, बता रहे परी। तुम मम्मी, हम कदम भी बाहर निकाला ना, हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे।